केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से समय समय पर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। कृषि के क्षेत्र में संभावना को बढ़ाने और रोजगार परक कृषि के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत इसका लाभ किसानों को दिया जा रहा है। इस योजना से पॉलीहाउस का निर्माण कर उन्नत खेती जिसमें फल सब्जी फूल और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। चंपावत जिले में भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जिले के 12 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में इन दिनों फूलों की खेती से किसान अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। जिले के देवीधुरा वालिक पिपलाटी पाटन पाटनी चंपावत चौकी सहित दर्जन भर क्षेत्रों में किसान विभिन्न फूलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी टीएन पांडे ने बताया कि जिले में दो वर्षों में स्टोमा कार्नेशन लिलियम जरबेरा सहित विभिन्न फूलों की खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में हॉर्टिकल्चर मिशन के साथ ही राज्य योजना से सैकड़ों वर्ग मीटर में पॉलीहाउस का निर्माण कर फूलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके लिए हमारा जो मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना के अंतर्गत 3000 वर्ग मीटर पॉलीहाउस हमने हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत लगाया है। जिला योजना अंतर्गत 50 वर्ग मीटर के 183 पॉलीहाउस 2022-23 में हमने लगाए हैं और जिसमें सब्जी उत्पादन के साथ साथ पुष्प उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। और चूंकि अभी विगत वर्ष हमारा कार्नेशन प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार हमारे चंपावत जनपद को राजभवन में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में मिला था और इस वर्ष 3 से लेकर 5 मार्च 2023 में जो राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी आयोजित हुई थी इसमें स्टोमा को प्रथम पुरस्कार हमारे प्राप्त हुआ है। लोहाघाट में फूलों की खेती से स्वरोजगार कर अच्छा मुनाफा कमा रहे चंद्रशेखर बताते हैं कि उन्होंने हॉर्टिकल्चर मिशन से 1500 वर्ग मीटर के पॉलीहाउस का निर्माण कराया था। पॉलीहाउस के अंदर और बाहर सैकड़ों वर्ग मीटर में 1,00,000 लिलियम के बीज लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में इन्हें लगाने से उन्हें अच्छा मुनाफा तो मिल ही रहा है, साथ ही 10 से 15 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। 3 महीने के ये क्रॉप है हमारी और इसको हम इस समय मेरा तैयार हो चुका है जो मैं मंडी में अच्छा कर अगर मंडी में रेट मिलते हैं हाई थोड़ा से ऊपर 1000 रुपए तक का बंडल जाते हैं इसके 10 टिक्की तो उसमें अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अगर हमारा लो भी इस समय जबकि लो रेट है तब भी हमारा कुछ न कुछ नुकसान तो ना हो करके बराबर के औसत में हम जा सकते हैं ताकि हमारा घर से नुकसान ना हो सके।